तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पशु आहार जो एनिमल फीड होता है उसका बिजनेस कैसे करेंगे। पशु आहार का बिजनेस की मांग पूरा 12 महीना रहता है, क्योंकि सभी को अपने जो पशु है उसको पशु आहार खिलाना रहता है। तो यहाँ पर से क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले हो गए या तो बड़े बड़े जो गौशाला हो गया, वहाँ पर यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत अच्छे अच्छे नस्ल की गाय रहते हैं उनको आप पशु आहार खिलाएंगे तभी अच्छा दूध देता है। तो इस हिसाब से इसका डिमांड साल भर बनी रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, क्योंकि यह एक तरह से सूखा बिजनेस है। दोस्तों जैसे आप पशु आहार मंगाते हैं तो आप आराम से एक महीना दो महीना तक इकट्ठा करके रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होता। तो इसमें एक तरह के सूखा बिजनेस है। तो इसमें जब भी आप कोई भी सूखा बिजनेस का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट होता है, वहाँ नुकसान होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो दोस्तों अब इस बिजनेस में आप जितना पैसा लगाएंगे उतना कमाएंगे, क्योंकि जितना में मंगाएंगे उतना ही ज़्यादा कमाएंगे क्योंकि। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जान लेते हैं सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, आप अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से संपर्क कर सकते हैं, जैसे जो एनिमल फीड बनाते हैं या तो पशु आहार बनाते हैं, जैसे मुर्गा का खली हो गया, इस तरह से मिक्स करके बनाते हैं, तो उनसे आप संपर्क करेंगे जो लोकल मैन्युफैक्चरर होता है, तो उस आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में आप खरीदेंगे तो आप लोकल से खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट ये रहेगा कि आपका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाएगा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी होलसेल करेंगे तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए लगाना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आप जितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हो। दोस्तों इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, तो मैं ये बता देता हूँ, इसमें मार्जिन अच्छा खासा रहता है इस बिजनेस में। तो सिर्फ 25% मार्जिन लेकर चलेंगे, तो जैसे 1 लाख रुपये लगाते हैं तो 25% के मार्जिन के हिसाब से सीधा सीधा आपको एक ही दिन में 25,000 का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कोई भी होलसेल बिजनेस अगर आप करेंगे तो उसमें क्या है दोस्तों, हम 1 लाख रुपये का या 2 लाख रुपये का आराम से माल बिक जाता है होलसेल में। तो इस हिसाब से आप सीधा सीधा एक ही दिन में 25,000 कमा सकते हैं। हो सकता है आप एक ही दिन में कमा लें, एक हफ्ते में कमा लें, एक महीने में कमा लें, क्योंकि ये आपके सेलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि आप जितना माल सेल करेंगे उतने उसके हिसाब से आप कमाएंगे। जैसे आपने 1 लाख का माल सेल किया तो 25,000 कमा दिए, अगर एक ही दिन में कर दिए तो एक ही दिन में, अगर आपने एक दिन में 2 लाख का कर दिया तो सीधा 50,000 रुपये कमा देंगे। तो ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे मंगाएं। तो दोस्तों आप डायरेक्ट या तो फ़ोन पर बात करके मंगा सकते हैं कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है उनसे, या तो फिर आप वहां पर जा करके आप क्वालिटी चेक करके ला सकते हैं। अगर आपको अगर आप पहली बार ये बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप जब आएंगे तो उस पशु आहार का क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद आप उससे ऑर्डर लेंगे, फिर अगली बार आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट फ़ोन से ऑर्डर देंगे और आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों किससे संपर्क करें, तो आप लोकल मैन्युफैक्चरर से फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, आप उनसे पहले संपर्क करिए। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है आपसे, लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं मिल पाता है, तो आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जा करके कर देते। चलिए एक तो डेमो दिखा देता हूँ आपको कैसे सर्च करना। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किसके करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना, गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना, इस तरह से इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा, यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया, जैसे इसको क्लिक करूंगा सर्च करूंगा तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक खुद का दुकान होना चाहिए, दुकान के साथ एक गोडाउन होना चाहिए, गोडाउन के साथ साथ आपका खुद का जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर क्या होता है दोस्तों, कोई भी आप गवर्नमेंट को जीएसटी हम पेमेंट करते हैं, जीएसटी टैक्स पेमेंट करते हैं, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। जीएसटी नंबर के हिसाब से ही आपका टर्नओवर बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी नंबर अप्लाई करना बहुत ही आसान है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, या तो आप खुद कर सकते हैं या किसी अकाउंटेंट से करवा सकते हैं या किसी सीए से करवा सकते हैं। अब जो चौथा है दोस्तों, कम से कम एक स्टाफ। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस करेंगे, होलसेल बिजनेस करेंगे, तो अगर आपको कम से कम एक स्टाफ रखना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर आपका पूरा दुकान का देख रेख और आपका जो बैंक से रिलेटेड काम हो गया या तो फिर वसूली का काम हो गया, ये सारी चीज़ों को वो देखेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।